हेलो दोस्तों, आज हो गई है सुबह, उठ भी गए हैं। वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि सिर्फ मैं ही काम करता हूँ। नहीं, मेरी बीवी भी अलग से काम करती है, बस मैं उसे दिखाता नहीं हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं ही काम करता हूँ। लेकिन अभी मेरी टर्न है, वैसे उसको टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, उसके टाइमिंग्स अलग हैं जॉब के। पर आज वर्क फ्रॉम होम है तो मैं चाय भी नहीं बनाऊँगा। तो हाँ, तो कुछ काम नहीं करूंगा। काम करूंगा मैं, पूरा मैं छोड़ जाऊंगा भी नीचे, और इतना टाइम नहीं लगेगा मुझे। पर मैं चाय नहीं बनाऊंगा, चाय मैं नहीं बनाऊंगा। आज की चाय पर चाय पीनी बहुत जरूरी है, ठंड बहुत हो गई है दोस्तों। चलो फेंक के आते हैं। क्या हुआ दोस्तों, बना दे चाय, अब हम पियेंगे चाय। बहुत कुछ करना पड़ता है एक पति को। ये मैं फिर से ऊपर कर दी। तो दोस्तों अदरक ये भी है, कल मैंने रख दिया था। काम नहीं होता। वाह दोस्तों, चाय खोल रही है बीबी को। शादी के बाद सारे भक्ति वाले हो जाते हैं। शादी के बाद इतने भक्ति वाले होते हैं क्योंकि ना दुनिया से विश्वास उठ जाता है। जब लव मैरिज के बाद भी ऐसे पार्टनर मिले ना, तो दुनिया से विश्वास उठ के फिर भगवान पे रह जाता है। तो भगवान पे रह जाता है तो फिर पूजा पाठ ही चल रहा है अभी। अरे मेगा, पूजा पाठ कब से स्टार्ट किया? मैंने पहले भी किया हुआ था, तुमने अभी किया है। अकेला, जब दो दिन अकेला था ना तो ब्लॉग समझ नहीं आ रहा था, पता है ना। अब कोई काम, देखो आज कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा फ्री फील कर रहा हूँ मैं अभी। सारे ये देखो, अपने जर्म्स मत डाल मेरी चाय में। मेरे जर्म्स कैसे जा सकते हैं? और ये जो ऊपर से वो आएगा, क्या बोलते, धुआं, और वो नीचे जाएगा। यार दोस्तों, देखा था कि मैंने चाय कैसे बनाई थी हाइजीनिक प्रोसेस से, यहाँ मेरे को अनहाइजीनिक प्रोसेस से चाय मिल रही है। पर हो सकता है नहीं है कि मैं बीमार ना हो जाऊं। वीडियो से कुछ मैं, मेरे को भी एडिट करना आती है। मैंने भी एक चाय, मैं कैसे भी कर दूंगा मैं एडिट कर दूंगा, ऐसा कटेगा कुछ नहीं है। अभी पानी हो रहा है गर्म, फिर मैं बर्तन धोऊंगा। हो चुका है गर्म। चाय पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस सर्दी में तो कुक्कड़ बन जाएंगे, कुक्कड़। चलो अब हम धोएंगे बर्तन और फिर पियेंगे चाय। बाय बाय, सभी को राम राम। और आज हम बनाएंगे दलिया। बाहर लगी है तो लोग रोक देख रहे हैं, अच्छी बात है। दलिया नहीं, सेमियाँ बनाएंगे। वैसे तो दलिया पता नहीं क्यों होता, क्योंकि सेमियाँ ऑलरेडी रोस्टेड है तो ज़्यादा रोस्टिंग करनी पड़ेगी, आराम से कर भी देंगे। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए? पहले चाहिए पतीला, नहीं क्या बोलते हैं सर, कढ़ाई। कढ़ाई डाली, आग चलाई, डालना है इसमें घी। घी जम गया है पूरा का पूरा, वैसे तो एक ही चांस है। घी को गर्म करेंगे पहले, बहुत जरूरी है। ओह पतीला हो गया, लेकिन अब फिर मिलेंगे आगे जाने के लिए। अच्छे पक्के आते तेरे तेजी क्यों गड़ा कर धनिया नहीं लगा होते। थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना, घी थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, बिना घी के मजा नहीं आता। तो ज़्यादा कुछ नहीं, घी को थोड़ा पिघलने देंगे, उसके बाद डालेंगे सेवियाँ और उसके बाद डालेंगे दूध, तो हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो पहले
डाल दिया घी। ये रोस्टेड सेमी है तो इनको रोस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, तो बस हल्का सा मतलब लकड़ी वाली से पहले ब्राउन थे, इसमें डालते ही गोरी होगी। पता नहीं कोई कलर चढ़ा रहा है इसमें या क्या हो रहा है। आजकल ऐसे बहुत मटेरियल खराब सा आ रहा है इस दुनिया में, फायदा नहीं है तुम जितना भी हेल्दी खा लो, एंड में होना खराब ही है। क्या प्लास्टिक ही डाला हुआ अब चलेगा धुआं। जब तक ये उबाला मारेगा धीरे सिम कर देंगे हम गैस को, तो गैस सिम करने से क्या होगा कि थोड़ा हमें पकाने में अच्छा लगेगा। सभी इसमें चीनी डलेगी, डाल ही देते चीनी, तो 2 सेकंड का काम है बस, इतना सा काम। और 1, 2, 3 धीरे धीरे हिलाते रहें इसको, हिलाने से क्या है कि इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, क्योंकि सेमियों में तो गांठें भी नहीं पड़ती। खड़े होके क्या ही करना है, खड़े होके। तो जब तक ये बन रहा है तब तक इसे बनने देते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। और 2:05 निकली हुई है, प्रॉपर तो नहीं है पर इतनी है जितनी से लोगों का काम चल जाए। तेरे पे यकीन बड़ा सी सेवियों को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिसेल्स, आई गेस प्रोनंसिएशन प्रोनंसिएट करना तो नहीं आता, पर वर्मिसेल बोलते हैं। लेकिन सेवियों को वर्मिसेल बनते हैं, तो सेवियों में जब दूध डल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्मिसेल मिल्क? नहीं, फिर तो वर्मिसेल्स का दूध हो गया, उसको हम बोलेंगे कुक्ड वर्मिसेल्स। नाइस, आग सेकते रहना चाहिए। गर्मी सर्दियों में सबसे बढ़िया काम है कुकिंग का, और सबसे बेकार काम है ठंडे पानी से बर्तन धोना, क्योंकि गर्म पानी से बर्तन धोने में बहुत मजा आता है। अब तुम बोलोगे इसको कितनी देर तक उबालना है, ऐसा मुझे भी कुछ नहीं पता, जब मुझे लगता है कि हो गया तब मैं छोड़ देता हूँ। तो हल्का हल्का उबालते रहो, थोड़ा दूर कम होता रहेगा, थोड़ा चप के देख लेना थोड़ी देर बाद पक गया या नहीं पक गया। अब आप जा देंगे इस बड़ी चढ़ाई चक्कर चीज डालने में हेल्प होती है, तभी आप देखोगे उबल रहा है ना, तो उबलने के टाइम पर हमें इसे थोड़ा सा हिलाने के लिए कड़छी से। इसको खाने का मजा कब आता है, जब तुम्हें इजीली खाना बनाना हो, तुम्हें ज़्यादा जब तो जहर नहीं करनी हो कि हाँ यार रोटी कौन बनाए ये कौन बनाए, तो ये खा लिया करो। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। इसमें वैसे लोग इलायची वगैरह भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, समझ आता है क्यों। ये तो खीर में भी इलायची वगैरह पसंद नहीं है, खीर इज खीर, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तुम काजू डाल सकते हो और किशमिश भी नहीं। लोगों को क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चीज़ों को, जस्ट इन द केस जैसे बाहर वाले हर चीज़ में मक्खन डाल देते हैं, पूरा टेस्ट ही खराब करते हैं, आमलेट में मक्खन, ये मक्खन वो मक्खन, वैसे इसका टेस्ट तो तब है ना जब सेमियाँ डाली और दूध डालो। काजू खाने काजू ऐसे डालो दूध में डाल के, दूध में कूटो काजू बादाम पिस्ता सब कुछ करके खाओ, पता नहीं थोड़ा सिंपलिसिटी से तो लोग बहुत ही दूर हैं। फिर बोलते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, हमें पेट में दर्द ये वो हो गया, खाना ही ऐसा हो गया है।
इतना सिंपल खाना विदाउट मसालों के, विदाउट फालतू के चीज़ों से। और ये है जिसको टेस्ट लगता है वो खाओ यार, मेरे को क्या ही है, मुझे नहीं लगता जिसको खाना है खाते रहो। समय क्या है भाई, एक ना एक दिन तो सपने चले ही जाना है, जब तक है तब तक खाओ। यो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। अब थोड़ा जहा टेस्ट करके चख लो, गरम बनी हो स्वाद है यार, दूध से बनी हुई आइटम मुझे स्वाद नहीं आ रहा, तो तुम में कुछ कमी है। हल्का सा कच्चा बना रहा है, तो मुझे लगता है अगर मैं इसको ढक के भी रख दूंगा ना तो थोड़ी देर में ये हो जाएगी। ठीक है, इस वाली वीडियो में यही बन चुकी है हमारी सेमियाँ, तो थोड़ी देर ऐसे रखेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ जाए शायद, और बाकी देखते हैं। ये अकेले डालूंगा वीडियो या और भी ऐड करके डालूं, अभी बस सीख ही रहा हूँ, अभी खुद भी समझ नहीं पाया हूँ डालना क्या है, तो क्या पता आई जाए समझ 10-20 दिन में कि अच्छा ऐसी वीडियोज़ डालनी है रेगुलरली, तो जब वो आ जाएगा तब देखूँगा। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।